हेलो फ्रेंड्स, हम जब भी करेले बनाते हैं एक लंबा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आज मैं बता रही हूँ आसान सी विधि जिसमें ना हम करेलों को छीलेंगे और ना ही भरेंगे। मैंने करेलों को अच्छे से धोकर सुखा लिया है और अब इसे दो दो इंच के टुकड़ों में काट लिया है और बीच में लगा रही हूँ एक लंबा सा चीरा। जब सारे करेले कट जाएं तो कढ़ाई में डालना है तेल। वैसे तो करेले ज़्यादा तेल पीने के लिए बदनाम है, लेकिन हम थोड़े से तेल में बना रहे हैं। सरसों का तेल लिया है मैंने और आंच हमें मध्यम रखनी है सारे प्रोसेस में। करेलों को डाल दिया है, करेलों को थोड़ी सी देर ढककर पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद हमें डालना है नमक। नमक की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। फिर अच्छे से मिक्स करके एक बार और ढक के पकाना है। इसके बाद डालनी है हल्दी। एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद फिर एक बार 2-3 मिनट के लिए ढकना है। इस सारे प्रोसेस में आंच रहेगी मध्यम। जब करेले आपको हाफ डन लगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और ग्रीन से हल्के ब्राउन लगने लग जाएं, तो 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे बिना ढके पका लेना है। और फिर डालने हैं सारे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करके आंच बंद कर देनी है। करेले तैयार हैं। इसे आप फ्रिज में रखकर हफ्ता भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और एंजॉय करें हर मील के साथ। आप करेलों की आसान सी झटपट बनने वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।